सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई यार, मैंने काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा था, बोहो बाजार काफ़ी ज़्यादा शोर है इंस्टाग्राम पर। हर कोई जा रहा है और काफ़ी सारी रील्स, काफ़ी सारे पोस्ट देखने को मिल रहे हैं वहाँ के। तो मैंने भी सोचा क्यों ना एक बार चल के हम भी देख लें। वैसे आज लास्ट डे है बोहो बाज़ार का और इनसाइडर पे भी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं, तो अभी हम वहीं जाके टिकट्स लेंगे। वैसे ये बोहो बाज़ार नेहरू स्टेडियम में लग रहा है और ये ऑलमोस्ट मान लो यार 2 साल से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था नेहरू स्टेडियम में। 2 साल से कोई फेस्ट कुछ नहीं बिकॉज ऑफ कोरोना। तो अभी ये लगा है तो हम सोच रहे हैं क्यों ना इसको एक्सप्लोर करा जाए। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं क्या प्राइजेस होंगे, क्या टिकट है और कैसा माहौल है वहाँ पे, चल के देखते हैं। तो भाई बोहो से तो हम वापस आ गए और हम ऑलमोस्ट 4 या 5 घंटे वहाँ पर थे। तो भाई यार काफ़ी अच्छी जगह थी और काफ़ी मज़े भी आए। और वहाँ पे टिकट जो थी 300 रुपीज़ की हमें पड़ी। और जब इनसाइडर पे मैंने जब स्टार्टिंग पहले फर्स्ट सेकंड डेज में जब देखी थी तब कुछ 263 की पड़ रही थी। तो बेटर होगा अगर नेक्स्ट ईयर लगे और आप जाओ तो ऑनलाइन टिकट लेके जाएं, कुछ तो पैसे बच ही जाएंगे। वैसे एम्बियंस और अच्छी जगह थी, पर जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा था, शाम होती जा रही थी, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे। तो इस चक्कर में बहुत गर्मी भी लग रही थी। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। एक चीज़ की दिक्कत थी, वहाँ पे नेट नहीं चल रहा होता है। तो ऑनलाइन हम कुछ भी पेमेंट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो नहीं हो पा रही थी। टिकट काउंटर पे भी हमने ट्राई किया था कि हम ऑनलाइन पे कर सकें, तो नेट ही नहीं चल रहा था, हम पे कैसे करते। तो इसलिए हमने कैश यूज़ करा और कैश हम ज़्यादा लेके भी नहीं गए थे तो खा पी भी नहीं पाए ज़्यादा कुछ। तो भाई अभी भूख भी लग रही है तो हम सोच रहे हैं अब चल के कुछ खा पी लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बर्गर किंग और जाके अपना फेवरेट बर्गर उठाते हैं, फिर
खा पी के फिर वापस आपसे बात करेंगे। What's your favorite place? Where is your favorite place? Foodie place. Foodie, no. Foodie. Where is the chocolate? You can find easily right there. That's your favorite. तो हाँ भाई, चलो अपनी बातचीत वापस शुरू करते हैं। तो भाई, अगर आप मुझसे पूछोगे क्या मैं दोबारा वहाँ जाना चाहूँगा बोगो बाज़ार, तो हाँ, क्योंकि यार काफ़ी मज़े आए, काफ़ी अच्छी जगह थी, बढ़िया एम्बियंट था। एक ये था, हाँ, टाइम के साथ रश बढ़ गया था तो बड़ा कंजस्टेड भी लग रहा था इतनी भीड़ भाड़। बट स्टार्टिंग में थोड़ा जल्दी चलेगा तो भी अच्छा ही है, बट नाइट का भी एक अलग ही वाइब आती है। तो हाँ, ज़रूर जाना चाहिए, आप भी ज़रूर जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, काफ़ी मज़े आते हैं। काफ़ी कुछ था, काफ़ी स्टोर्स थे, बहुत कुछ था, खाने पीने को था, शॉप करने के लिए था, और शोज़ हो रहे थे, स्टेज शोज़ हो रहे थे, गाने चल रहे थे, बढ़िया मज़े आ रहे थे यार, बहुत कुछ था देखने को। तो बस बोगो बाज़ार के लिए इतना ही था, और भाई बहुत मज़े आए। तो अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब सीधे आपसे अगली वीडियो में।